विनोद अग्रवाल ने कामठा क्षेत्र में धान की क्षतिग्रस्त फसल का निरीक्षण किया। मौसम विभाग की सूचना के अनुसार गोंदिया जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। जिले में भारी बारिश के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि फसलों को भारी नुकसान हुआ है और किसानों द्वारा लगाई गई धान की फसल पानी में डूब गई है। नतीजा यह हुआ कि जब विधायक विनोद अग्रवाल ने कामठा क्षेत्र में धान की क्षतिग्रस्त फसल का निरीक्षण किया तो धान की फसल का काफी नुकसान हुआ ये दिखाई दिया। इस समय पर तहसीलदार गोंदिया खंडारे, अपर तहसीलदार खड़तकर, तालुका कृषि अधिकारी तुमनाम उपस्थित थे और विधायक विनोद अग्रवाल ने उन्हें क्षतिग्रस्त क्षेत्र का तुरंत निरीक्षण और जांच करने और क्षतिग्रस्त फसलों का पंचनामा तैयार करने और उन्हें सरकार से वित्तीय सहायता देने का निर्देश दिया। गोंदिया जिले को चावल नगरी के नाम से जाना जाता है और अधिकांश लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है और पीड़ित राज्य को नुकसान होने की स्थिति में उनकी अर्थव्यवस्था हिल जाएगी और उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए विधायक विनोद अग्रवाल ने निर्देश दिया कि नुकसान की जांच कर उसकी भरपाई करना बेहद जरूरी है। इस दरमियान विधायक विनोद अग्रवाल, तहसीलदार खंजारे, अपर तहसीलदार खड़तकर, तालुका कृषि अधिकारी तुमनाम, भावराव उके, जिलाध्यक्ष जे की पे मोहन गौतम, जिलाध्यक्ष किसान आघाड़ी जे की पे ज्ञानचंद जमाईवार, काटी जिला परिषद प्रमुख जे की पे नंदा बाड़ीवार, जिला परिषद सदस्य काटी पृथ्वीराज सिंह नागपुरे, जिला परिषद प्रमुख किशोर दुबे, तालुका सचिव मिलन पाथोड़े, ग्राम पंचायत सदस्य आदि उपस्थित थे। गोंदिया से बीसीएन न्यूज के लिए अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।